हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम अमेक एंड यू आर वाचिंग मिशियस व्लॉग्स। तो आज का टाइटल आप लोगों ने देखा है, आज हम लोग जा रहे हैं शिलडुबी में घूमने के लिए, थोड़ा ट्रैवल करने के लिए, थोड़ा व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी लास्ट हफ्ते में व्लॉग नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरा जो था बर्थडे भी था 5 जुलाई को, और उसके पहले मैंने कंप्यूटर को भी अपग्रेड किया था। तो पीछे कंप्यूटर है नए टेबल के साथ, उसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा डिटेल के साथ रिव्यू। गाइज, अभी बाहर हल्की हल्की बारिश गिर रही है, लेकिन मैंने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने मैप्स में देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, और बारिश में यू नो ट्रेवल करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप जितने भी रेनकोट्स वगैरह कुछ भी लगा, लेकिन बारिश अंदर आएगी तो प्लान हो गया है कैंसिल। तो अभी मैं क्या करूँ सोच रहा था, तो पीछे पैकिंग वगैरह भी कर लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सब कुछ डन हो गया था, फिर एकदम एंड में आके ये सब कैंसिल करना पड़ा। तो अभी मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस, सेटअप की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 9th जनरेशन मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया है, मैंने प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है पेंटियम गोल्ड, रैम मैंने लिया है कॉर्सर का LPX DDR3, और इन्हें साइड में कर दे तो ये है मदरबोर्ड H310 Pro VHL, ये है मदरबोर्ड, और ये है 8GB का रैम, और ये है अपना प्रोसेसर जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, 4th Gen i5 को भी कुछ गेम्स में बीट कर देता है। और डेक्स जो है वो भी नया लिया है, वो दिखाता हूँ, पहले आपको अपना कैबिनेट दिखा देता हूँ। ये अपना पुराना कैबिनेट ही है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है, और सिर्फ 10 रुपये की मदद से मैंने इसको इस तरह से बना, जो स्टिक फाइल होता है ना उसका जो हाफ है वो मैंने यहाँ पर टेप से चिपका दिया है, थोड़ा स्टिकी है लेकिन एकदम बजट में किया है मैंने इसको बिल्ड। और मेरे पास एक LED पड़ा हुआ था तो उसी को मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, तो जैसे मैं ऑन करता हूँ इस तरह से आ जाता है और बहुत ही बढ़िया दिखता है, आप देख सकते हैं इनसाइड। अभी लाइन नहीं है तो मैं UPS से चला रहा हूँ, और इन चीज़ों को अगर हटा दूँ तो आपको पूरा डेस्क का एक व्यू दिखा देता हूँ मैं दूर से, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा डेस्क। ये डेस्क भी मैंने नया लिया है अपने इस वाले सेटअप के लिए, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं इसका जो कॉस्टिंग है मैं आपको बता देता हूँ, इसका कॉस्टिंग लगभग मुझे इन तीनों का ही पड़ गया था 13K, और डेस्क मुझे 3000 का पड़ा है। ज़्यादा लाइट आ रहा है वहाँ से, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से बैठ जाते हैं। तो डेस्क मुझे 3000 का पड़ा है, और अभी ये कैबिनेट भी मैं चेंज करूँगा, ऐसे बस कुछ दिनों के लिए चलाऊँगा, उसके बाद एक गेमिंग कैबिनेट लूँगा, कुछ RGB बीस्ट बनाने का प्लान है, तो सब बनाएंगे, आगे देखते रहिए आप लोग। तो अभी मैं रोहित वगैरह को कॉल करता हूँ क्योंकि अपना प्लान तो हो गया कैंसिल, फिर आगे जाके आप लोगों से आगे मिलता हूँ। तो गाइस, अभी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में मैं डोमिनर को चलाने वाला हूँ, तो चलाने के बाद आप लोग को बाकी का रिव्यू दिखा देता हूँ कैसा है गाड़ी और इसका पावर कितना है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ऑसम, बहुत बढ़िया लगा डोमिनर को चला के, और स्पेशली उसका जो नॉर्मल जो एग्जॉस्ट है वो कुछ मैकेनिकल टाइप का साउंड निकलता है, लेकिन जब हम उसे डबाते हैं ना बीस्ट है, बीस्ट पर दिखने में छोटा लग सकता है, बहुत बड़ा है गाड़ी। तो चलिए मैं क्या होता है तो गाइज, अभी मैं और रोहित आ चुके हैं, रोहित ही पूरा चलाया था जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैंने बीच में आपको छोटा सा शॉट दिखा था। तो अभी हम आए हैं केराकुची, है ना, तो अभी हम केराकुची में आए हैं रेहरबाड़ी में, यहाँ पे अभी गेट में ताला लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैनर लेने आया, एक्चुअली जो बैनर है वो किसका है, सुजन मार्फत, कौन है वो, डांस प्लस फर्स्ट रनर अप, तो उनसे मैं आपको शाम को मिलवाऊंगा। अभी ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो अभी यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, गेट खोलेंगे और फिर बैनर लेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपको आगे का दिखाऊंगा। हेलो गाइस, तो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो चुका है, पीछे प्रोग्राम चल रहा है, अभी इतनी देर नॉइस आ रहा था तो आपको को दिखा नहीं पाया, वीडियो को मैं कट करके थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट डांस आपको ज़रूर दिखाऊंगा, तो अभी ये सब नहीं दिखाते हुए मैं सीधा आपको एंडिंग में कुछ अच्छा से दिखाता हूँ।
ये आखिरी डांस बाकी है तो मैं स्टेज में नहीं गया आप लोग को दिखाने के लिए, तो यहाँ से दिखाता हूँ और एंजॉय कीजिए। फॉलो करना ठीक है, एंजॉयमेंट करना है, आखिरी दिन है मेरे साथ, तो सबको मिस करूंगा मैं, सब बच्चे को, सब स्टूडेंट्स को, सब पेरेंट्स को। तो ये बोल रहे हैं हमारे सुजन सर, सपोर्ट किया है अच्छे से, तो आज स्कूल के नाचेंगे, स्कूल के करेंगे ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आप डिस्करेज हो ना, सब निकाल देंगे आज से ठीक है। चलो एंजॉयमेंट करेंगे। সকলে নাচিব, বাইরত থাকা সকলে যতে আছে তাতে নাচ নাচিব, যিসকলে নানাচে চাপৰি মাৰিব, চাপৰি মাৰিব আৰু এওঁলোকে ষ্টেজত নাচিব, সকলে ফূৰ্তি কৰিব, আনন্দ কৰিব। এলাস মিউজিক, যিসকল বাহিৰত আছে তেখেতসকলেও নাচিব, যিসকলে নানাচে চাপৰি মাৰিব। ধন্যবাদ। गोली के साथ आसमान में देखूंगा नगीन दिन। तो गाइज इसके बाद भी बहुत कुछ था, लेकिन वो अंधेरा होने के बाद जैसे डार्कनेस में आ गया था, और लाइटिंग तो आपको पता ही है वहाँ की अच्छी नहीं थी, स्टेज के वगैरह हर जगह में अंधेरा था और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, यू नो चिल्लम चिल्ली वाह, तो इसलिए मैंने उन फुटेज को ना देना ही सही समझा। उसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट फुटेज था, लेकिन क्या करूँ नॉइज़ की वजह से काटना पड़ा। तो ये वीडियो यही तक का था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से देखते रहिए आप सबके अपने चैनल मिशियस व्लॉग्स को। गुड बाय।